गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में गेहूं खरीद व खरीफ की फसल के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि गेहूं खरीद कर किसानों को उनके हक का पैसा जल्द से जल्द उनके खातों में भेजने का कार्य किया जाए, जिससे कि आने वाली फसल की खेती करने में किसानों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इस दौरान भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एडीएम वित्त राजेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया, मैंने गोरखपुर के गेहूं खरीद की समीक्षा की है। गोरखपुर मंडल में अब तक 3,04,641 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है और जिसका 601 करोड़ रुपए उसकी देयता बनती है, जिसमें से 482 करोड़ रुपए का अब तक भुगतान किया जा चुका है और इस खरीद से 70,000 से अधिक किसानों की खरीद गोरखपुर मंडल में हुई है। गोरखपुर जनपद के भीतर अब तक 95,898 मेट्रिक टन से ज़्यादा की गेहूं की खरीद हुई और 148,73,00,000 रुपए की 20,000 किसानों का खरीद अब तक किया जा चुका है, 20,682 किसानों